ये चेक कीजिए आप, ये सेंट्रल पवेलियन के बिल्कुल फ्रंट पे आपको मिल जाएगा। बहुत हाइट पे आके मैं आपको ये व्यूज़ दिखा रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे कभी नहीं आए हैं तो विज़िट करें, बहुत ज़बरदस्त है जगह, मज़ेदार। और इसके बैक साइड में आपको ये स्टेडियम भी देखने को मिल जाएगा। आई थिंक ये स्पोर्ट्स का इंडोर स्टेडियम है, मैं कभी यहाँ पे गया नहीं हूँ, अगर कभी मौका मिला तो यहाँ से भी आपको। हे एवरीवन, वेलकम टू मेरा मास न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट होता है श्रीनगर कश्मीर के बख्शी स्टेडियम से। जस्ट मैं गेट से अंदर आया हूँ और आज मैं आपको पूरा विजिट करवाने वाला हूँ बख्शी स्टेडियम श्रीनगर का। जब मैंने लास्ट टाइम यहाँ पे वीडियो बनाया था करीबन 2 साल पहले, तो उस टाइम पे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी, लेकिन आज के टाइम में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पूरी कम्प्लीट हो चुकी है और आज हम पूरा विजिट करेंगे, अंदर तक जाएंगे और देखेंगे यहाँ पे क्या कुछ है। स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ गेट से, आप देख सकते हैं यहाँ से एंट्री गेट है, आपको मेन रोड बाहर मिल जाएगा, यहाँ से भी एंट्रेंस है। हम पूरा पहले ये वाला पोर्शन कवर करेंगे आगे चल के। इसकी जो बाउंड्री वॉल्स है, इस पर आप देख सकते हैं डिफरेंट स्पोर्ट्स की पिक्चर्स लगी हुई हैं। जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल नॉर्थ पवेलियन आप देख रहे हैं, यहाँ से भी एंट्रेंस है, बट मैं आपको लिए चलता हूँ पहले इसके बाहर से आगे तक। इसके बाहर का जो एरिया है वो आप वॉच कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत। तो यहाँ पे सेंट्रल पवेलियन बख्शी स्टेडियम, और इसका डिज़ाइन आप चेक करें, बहुत ही औसम। नॉर्थ पवेलियन आपको इस साइड में मिल जाएगा और फिर बीच में आ गया जी सेंट्रल पवेलियन, और हम उस तरफ भी जाएंगे, देखेंगे वहाँ पे कौन सा क्या है। ये चेक कीजिए आप, ये सेंट्रल पवेलियन के बिल्कुल फ्रंट पे आपको मिल जाएगा। आई लव स्पोर्ट्स, बहुत ही ब्यूटीफुल। तरफ में हमें मिला था नॉर्थ पवेलियन, फिर सेंट्रल पवेलियन, और अब यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है साउथ पवेलियन। तो अब हम यहीं से एंटर होते हैं क्योंकि इस तरफ से भी एंट्रेंस है, और अंदर देखते हैं कि स्टेडियम हमें कितना खूबसूरत देखने को मिलता है अंदर से। साउथ पवेलियन के बाहर ये वाला एरिया हमें स्पेस मिल जाता है, जहाँ पे बहुत सारे प्रैक्टिस पिचेस वगैरह है क्रिकेट के लिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरफ से भी इसका एंट्रेंस है, यानी कि नॉर्थ और साउथ दोनों साइड से इसका एंट्रेंस गेट मिल जाता है। तो आइए चलते हैं अंदर। ओ मैन, हैव अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल एंड ऑसम स्टेडियम। यहाँ से आप पूरी तरह से विजिट कर सकते हैं स्टेडियम का, इट इज सिमिलर टू एमए स्टेडियम जम्मू, आप देख लें, बहुत ही ज़बरदस्त। अभी मैं इसके पूरे चारों साइड घूमूंगा और आपको पूरा विजिट करके बताऊंगा। और ये जो पवेलियन वगैरह है, इसका व्यू वो वाली साइड से बहुत अच्छा आने वाला है, और हम उस वाली साइड जाएंगे। अमेनिटी ब्लॉक 1, इसके साथ में आ जाता है ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, और यहाँ मेरे राइट में ब्लॉक 5, और एक यहाँ पे है ब्लॉक 6। तो टोटल 6 ब्लॉक्स हैं इसके। सेंटर टनल भी आ जाती है ये वाली प्लेस पे, तो अब मैं चलता हूँ बिल्कुल वहाँ पे सेंटर टनल पे, और वहाँ से यहाँ का जो व्यू है वो बहुत ज़बरदस्त आने वाला है। तो चलिए वहाँ चलते हैं। यहाँ से आपको स्टेयर्स भी मिल जाएंगी ऊपर जाने के लिए साइड साइड पे, और ये एक और एंट्रेंस या एग्ज़िट हम कह सकते हैं। ये हर साइड में एक एक दो दो हमें मिल जाते हैं। ये उड़ गए। तो जी मैं पहुंच चुका हूं बिल्कुल सेंटर टनल पे, आप यहां से बहुत ही ज़बरदस्त व्यूज़ चेक कर सकते हैं बख्शी स्टेडियम श्रीनगर कश्मीर के। एक्चुअली ये स्टेडियम जो है फुटबॉल स्टेडियम है, आप देख लें यहां पे, क्रिकेट ग्राउंड भी इसमें बन सकता है, बट यहां पे पिच वगैरह हमें देखने को कहीं मिल नहीं रही है। और थोड़ा बहुत हम इस पवेलियन को जूम करके चेक करते हैं, ये देख लीजिए, आज का वेदर जो है थोड़ा क्लाउडी है, अभी रेनफॉल भी हुआ जस्ट इससे पहले, संडे का दिन है। और ये सारे व्यूज़ चेक करें आप, कश्मीर में ठंडा ठंडा मौसम और ये चलती हवा, और इसके साथ में ये ब्यूटीफुल सा ग्राउंड आप देख लें, ज़बरदस्त। ये चेक करें आप, बहुत ही ज़बरदस्त औसम नज़ारा है यहाँ से। बहुत हाइट पे आके मैं आपको ये व्यूज़ दिखा रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे कभी नहीं आए हैं तो विज़िट करें, बहुत ज़बरदस्त है जगह, मज़ेदार। और इसके बैक साइड में आपको ये स्टेडियम भी देखने को मिल जाएगा, आई थिंक ये स्पोर्ट्स का इंडोर स्टेडियम है, मैं कभी यहाँ पे गया नहीं हूँ, अगर कभी मौका मिला तो यहाँ से भी आपको
बताएंगे हम चेक करके कि इसके अंदर क्या आता है। बाकी फ़िलहाल ये जो स्टेडियम का व्यू है ना, बहुत ही ज़बरदस्त है, मज़ा ही आ गया भाई यहाँ पे आके। अभी पहले थोड़ी देर बारिश हुई है यहाँ पे, और बारिश के बाद का ये बहुत ही खूबसूरत मंजर। ये वाली पार्क में छोटे छोटे बच्चे झूलते हुए, वाओ ब्यूटीफुल। सो लास्ट हाफ एन आवर से मैं यहाँ पे हूँ, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, लेकिन एक चीज़ को मैं मिस कर रहा हूँ, मैं अकेला हूँ, कोई फ्रेंड यहाँ पे होना चाहिए अपने साथ में। लास्ट टाइम मैं जब यहाँ पर आया था तो मेरे साथ एक फ्रेंड था, काफ़ी टाइम यहाँ पे गुजारा। जब इंसान अकेला होता है तो बोरिंग फील होता ही है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ अब मैं यहाँ से निकलूँ। अभी वो वाली उस साइड वाली जो जगह है वहाँ पर मैं नहीं गया हूँ, अभी वहीं जाने की मैं सोच रहा हूँ। आज का वेदर काफ़ी मस्त लग रहा है यार, अभी रेनफॉल हुआ है। लास्ट कुछ डेज से तो यहाँ पे रेनफॉल नहीं हो रहा था, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, बट आज सुबह से ही बारिश थी, और अभी टाइम हो चुका है तकरीबन 4 बज रहे हैं। तो आप काफ़ी मज़ेदार है इस टाइम वेदर यहाँ पर, और आप भी देख सकते हैं यहाँ का व्यू कैसा क्या है। क्लाउड्स तो अभी भी आपको मिल जाएंगे स्काई पे, बट रेनफॉल नहीं हो रहा है, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे। इस ग्राउंड में कोई भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है, सिर्फ मैं अकेला हूँ यहाँ पर, और मेरे साथ है यहाँ पे पिजन्स, और कोई नहीं है। तो अभी चलते हैं हम वो वाले बिल्डिंग के अंदर, ये जो पवेलियन है इस तरफ से हम यहाँ जाएंगे, नज़दीक से देखेंगे वहाँ पे क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। तो आइए चलिए। गेट नंबर 3, अमेनिटी ब्लॉक 3, बख्शी स्टेडियम। जाली लगी हुई है हर साइड में इसके अंदर, और इधर पे गेट है, इसको मैं चेक करता हूँ।